अच्छा बाबूजी, हम ओम प्रकाश दीवाना पूरी टीम की ओर से पुनः आप लोगों के बीच में एक दर्दनाक हादसा लेकर के आया हूं। दुख भरी कहानी है। दीवाना म्यूजिक से प्रस्तुत ये बिरह आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं अपनी पूरी टीम के सहयोग से। सर्वप्रथम मैं वाराणसी फ्लाईओवर हादसा में मरे हुए मृतक लोगों के आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और सच्चे मन से दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि घायल परिवार के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बिरहा छोटे भाई अनीश यादव के संयोजन में आप लोगों के बीच में जा रहा है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। एक बार मूड मिजाज बना करके सुनिएगा तो रूहें कांप जाएंगी। बिरहा का शीर्षक मैंने रखा है वाराणसी ओवर ब्रिज हादसा। चार लाइन कहना है मौत और काल के ऊपर। कैसे जीतन बाबू? क्या पता मौत कब और कहां आएगी, जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं। काल के गाल में कौन कब जाएगा, बताया है कोई न अब तक सही। लाखों अरमान ले दिल में सुबह जो चले, क्या पता था उन्हें क्या होगा शाम में। 15 मई कैंट वाराणसी में गिरा फ्लाई ओवर सघन जाम में। अरे बाबू, इस हादसा को देखते हुए मैंने अपनी कलम से दो लाइन लिखा। उपेंद्र भैया आई तो ए बाबू, हम जिंदगी के एगो सच्चाई बताई ना। जिंदगी का सच्चाई ह का गुड्डू भैया बतावत ही। मौत लिखा गइल तो आज मौत लिखा गइल तो कबहू कोई नटारी। मौत लिखा गइल कोई नकारी। मौत लिखा
भइता। आए बाबू एजे से बिरहा का कहानी चालू हो गई, ई घटना कहां कबा कैसे घटल? आवाज जीतन भैया कि उत्तर प्रदेश में अरे शहीदी जिला गाजीपुर कि थाना नंदगंज के माझार गौआ सहेड़ी के खुशहाल राम हेड मास्टर साहेब की बाटे खुशहाल परिवार ए बाबू चारा हो नहारा बेटा अरे बागी के सुमानवा आंगना लागेला गुला जार जी सुवचन संजय ब्रिज अरे राजा साना तो सर हले कि लालती देवी के गोदी के दुलार जी सुवचन सिंचाई अरे विभाग के नो करिया में संजय ब्लड कैंसर से लाचार जी आए बाबू हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर शहीदी धरती शहीदी जिला गाजीपुर। क्या बात है? गाजीपुर के अंतर्गत मशहूर थाना नंदगंज और नंदगंज के अंतर्गत सहेड़ी गांव। सहेड़ी गांव का एक सुखी संपन्न परिवार गार्जियन खुशहाल राम हेडमास्टर साहब रिटायर हेडमास्टर थे जो कि फतुल्लापुर के विद्यालय से रिटायर हुए थे। ऐ पंचों हेडमास्टर साहब खुशहाल राम का चार बेटवा, बड़ा बेटवा सुबच्चन भारती, उनसे छोटका बेटवा संजय भारती, उनसे छोटका ब्रिजराज भारती और सबसे छोटा संतोष भारती। माई लालती देवी के इस चार बेटवा हुवन, बाबू हेडमास्टर साहब खुशहाल राम का चार बेटवा, बड़ा बेटा सुबच्चन सिंचाई विभाग में ऑपरेटर पद पे कार्यरत रहे। ए भैया आखिरकार बनारस क्यों लोग गए थे? तो सुबच्चन से छोटा भाई संजय ब्लड कैंसर से पीड़ित हुए, ब्लड कैंसर के मरीज हैं, टाटा मेमोरियल मुंबई से इलाज हो रहा था, रेफर करा करके पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में, बॉम्बे से दवा पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में आवे और वहां से संजय के कैंसर का इलाज होके। आखिरकार 15 तारीखवा के दिनवा का भई दवा लावे का तैयारी होता, सवेरवा लोग तैयारी के लंते एजा बहुत रंगीन तरज लगत है उपेंद्र भैया।
रह बतावे ए उपेंद्र भैया का बतावतिया कहे अरे पिया परदेसी भइले छोड़ी के अकेले गइले किसे जपे सहिले रोज गजनवा ना सजनवा अइले हो सेज पर सहिले लेकिन ते बाबू भयल का पंद्रह मई के दिनवा पापा साथ दूनो बिरनवा अरे पंद्रह मई के दिनवा पापा साथ दूनो बिरनवा तो कैंसर के उपचार करनवा सब बनारस चलने हो निजी बोलो रोले सधनवा सब बनारस चलले हो कौन कौन लोग चले अरे संजय सुबह चन बड़का बिरनवा पापा संगे खुशहाल दी यादव बीरेंद्र बोलो रो चलावत पहुंच गए तत्काल जी कैंसर का मरीज बड़ा बेटा सुबच्चन भारती और पापा रिटायर्ड हेडमास्टर खुशहाल राम जी के साथ निजी बोलेरो से मित्र जो गाड़ी चला रहे थे मुढ़वल के वीरेंद्र यादव पहुंचे हैं बनारस लेकर के वहां दवा वापस हो रहे तो दावा लेके चलले भगनवा सब बनारस चलले हो दावा चल दिए हॉस्पिटल से पॉपुलर हॉस्पिटल से घर के लिए चले हैं शाम हो गई संजय अपनी दुल्हन सरोजा को फोन लगाते हैं और फोनवा पर एगो बात कही गई ए भैया जीतम तोहरे लाए गीत बा कौनो हसीन लड़की का खूबसूरती देखे हमरे गुड्डू भैया माती लड़का स्वामीनाथ भैया माती लड़का सुनील यादव माती लड़का कहो तो कवना देवता के गोढ़ल सवारल हम
ना बाड़ू अनमोल, हो बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा ना दूसर जनाना ये जाना। बतावत हो संजय सब कुशल बाटे तो हसे बतावत बानी, सरोज सब सही बा, घबराए मत, लेकिन भूख लागल बा, हॉस्पिटलवा से निकल गेल बनी, एगो बात सुन तू कि दावा मिल गईल बा घरे आवत बानी, सब कुशल बाटे तो हसे बतावत बानी, कर भूखिया बड़ी मन माना ये जाना, भूख लागल बा वो भूख लागल बा सुन जनाना, तनी जल्दी बना दी खाना ले जाना, भूख लागल ए बाबू। इतना बताने के बाद संजय करते क्या है? अरे इतना बता के, अरे इतना बता के संजय रखी दी हमने फोनावा, इतना बता के संजय रखी दी हमने फोनावा, चल दी हमने पॉपुलर अस्पताल से, बज के 40 मिनट शाम के समय कट पर पहुंचल धीमी चाल से, बनारस का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका कैन, जहां हिंदुस्तान की सारी गाड़ियां आकर के रुकती हैं और यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। फ्लाईओवर का अधूरा काम चल रहा था, तब तक से उनको क्या पता है कि भूख हमें लगी है कि हमसे भी ज्यादा कोई भूखा है, उनके ना पता है, का ना पता है, का पता उनसे ज्यादा भूखा निकाल बा, भूख लागल बा वो भूख लागल बा सुन जनाना, तनी जल्दी बना दी खाना ये जाना, भूख लागल बा।
5:40 पर रेलवे कॉलोनी कैंट के पास जब पहुंचते हैं तब तक से हुआ क्या विदेशिया में भाव बाबू। अरे निर्माणाधीना ओ भर ब्रिजवा के नीचावा हो कि पापा खुशहाल संजय सुबचन बीराना बोलेरो चलावत बीरेंद्र यादव साथी रहले गिरल फ्लाई वो भर के बीमते ही छाना पापा साथे दोनों भाई ए बाबू दबले वीरेंद्र यादव फोर व्हीलर थ्री व्हीलर बाइक बस कई वाहना कच्ची खची तकार पाल भर में सुनाए लागल कि झपकद पलकिया अरे गईल कोई जाना बाबू लोगन का पलक झपक जैसे मानो मौत का पहाड़ टूट पड़ा। जब फ्लाईओवर का दो बीम गिरता है रोड से क्रॉस कर रही वाहनों के ऊपर गाड़ियां दब गई। प्रत्यक्षदर्शी बताए बहुत सारी गाड़ियां दबी हुई थी और कुछ लोग तो तत्काल मर गए लेकिन कुछ लोग बचे हुए थे दबे हुए थे उनकी व्यवस्था पे और जो देख रहे थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे उनकी व्यवस्था पे कवि का भाव है। अरे बच्चे लायक जे भी रहे ए बाबू बच्चे लायक जे भी रहे उहामा ओके बचावे वाला के बा नहीं समय से बचा जे भी सहारा बने अरे बन जाबे सहारा कब
नहीं करेला सुझा ए बाबू पनिया तो सब ही पियावे। ये गड़िया मिल बचल है पानी मांगे दवाई है आधा शरीरिया आधा शरीरिया बरवा पानी मांगे भैया हो पानी दे दो बाबू ए भैया पानी पिया दो तब व्यवस्था क्या है बाबू। क्या व्यवस्था थी अगर इंसानियत है दिल के अंदर तो रूहे कांप जाएगी आंखें छल छला जाएगी। जरा जान ले दबे हुए लोग 540 पे लोग फ्लाई ओवर के बीम से दबते हैं। बचाव कार्य कब चालू हुआ राहत कार्य कब चालू हुआ 634 पर NDRF की टीम आती है 638 पर 8 क्रेन आई 647 पर ADG पहुंचे 721 पर सेना पहुंची 9:05 पर फंसे हुए लोग निकाले गए। आए पंचो इतना ही नहीं 9:12 पर DM पहुंचे वहां रात्रि को और 9:16 की रात्रि पर DC उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। बताया गया कुछ लोग बचाव कार्य में लगे थे तो वहां कुछ लोग कुछ दरिंदे प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा साबूत मिला कि फंसे हुए लोगों का मरे हुए लोगों के गले से चैन छीन रहे थे ऐ पंचो पर्स निकाल रहे थे। इतना ही नहीं वहां कुछ हमारे युवा साथी जो डिजिटल युग के बड़ा जाने माने लोग हैं मोबाइल से मृतक लोगों के साथ सेल्फी ले रहे थे। किसी की दुनिया उजड़ गई और किसी के लिए तमाशा बना हुआ था किसी के लिए लूटने का जगह बना हुआ था। इतना ही नहीं 9:16 पर साथियों DC पहुंचे अनाउंसमेंट किया गया जोगी जी के द्वारा कि BHU में निःशुल्क इलाज किया जाए। लेकिन जहां ये कहा गया कि निःशुल्क इलाज किया जाए उस BHU पोस्टमार्टम हॉल से जब मरे हुए मृतक शरीर को परिजन लाने गए थे उन परिवार वालों से 500-500 रुपया मांगा जा रहा था मृतक शरीर देने के लिए। आया क्या हिंदुस्तान है आखिर। इस सारी घटना को देख करके कवि जी को भाव बदल देना पड़ा। टेरी में भाव है बाबू ए भैया काशी के वासी गम में रो पड़े अरे काशी के वासी गम में रो पड़े बाबा विश्वनाथ ना कटले घर के फांसी। जरा वर्तमान प्रधानमंत्री और बनारस के वर्तमान सांसद 4 साल गुजर गया नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहना था। इन्होंने बनारस के लोगों को एक सपना दिखाया था काशी को क्योटो बनाने का सपना है। काशी काशी नहीं रहेगी काशी को क्योटो बना देंगे। काशी को क्योटो बनाने का सपना मोदी दिखाए थे चुनाव में बना क्योटो के बदले शमशान यारों। काशी क्योटो नहीं बना बना क्या बना क्योटो के बदले शमशान यारों पसरा है मातम शहर गांव में। अरे बाबू झूठे वादे करके क्या पाते हो साहब। PM साहब आप देश के सबसे बड़े जिम्मेवार नागरिक हैं आप क्यों झूठा वादा करते हैं पब्लिक से झूठे वादे करके क्या पाते हो साहब। अरे जनता को मूर्ख बनाते हो साहब झूठे वादे करके क्या पाते हो साहब जनता को मूर्ख बनाते हो साहब। क्या है कसूर इस भोली भाली जनता का अरे खूनों का
ऐ साहब, खैर ये तो वर्तमान पीएम साहब के लिए और बनारस के वर्तमान सांसद महोदय जी के लिए कहना है, लेकिन एहन देखें बाबू करीब करीब 5 बजे फोन के लिए हूँ दुल्हिया के यहाँ, सरोज घरवा खनवा उनवा बना के इंतजार करती, जब धीरे धीरे घड़िया में लेट होके लगल, टाइम औला से ज्यादा देरी हो गई, तो एक सवाल पैदा होता है, खाना बना करके सरोज इंतजार करिए, कौनी तरह इंतजार करे, भाव बदल गए, खाना बनाई के भावना ए बाबू, खाना बनाई के भावना सरोजा जनाना खोज हो व्हाट्सएप से बनारस की इस घटना को पहुंचा रहे थे अपने साथियों के पास, जिसका संबंध जिससे था, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा था विनीत, जब व्हाट्सएप पे अपने दोस्त के द्वारा मोबाइल पे मैसेज देखा है, मन घबराने लगा, यह परिवार खोजत बा, ओहर विनीत फोन लगावे लगल, कहाँ फोनवा लगावे, व्हाट्सएप पे विनीत के मिलल जानकारी, सिंचाई विभाग में कार्यरत सुबच्चन भारती का बड़ा बेटा व्हाट्सएप पर खबरिया बोलस, मनवा घबराए लगल कि चाचा का दवैया खातिर बाबा और पापा हमेशा बनारस आवत जात रहलन, आखिर बात का बतानी पता करी तब, पापा चाचा पे फोन मिलावे बारी बारी, चाचा पे फोन करता है, फोन लगाया है, पापा का फोन नहीं लगा, चाचा का फोन नहीं उठा, बाबा खुशहाल राम का फोन स्विच ऑफ बता रहा था, फिर बाबा पर लगा तो एक औरत बोली, बड़ी प्रयास करने के बाद जब बाबा के ऊपर फोन लगी है तो एक औरत ने फोन उठाया, सवाल करता है, मैडम मैडम हमारे परिवार वाले सकुशल है ना, वो औरतिया फोनवा पर कहती है विनीत से हॉस्पिटलवा से आवाज आवत है, औरतिया बोलस का बोलस, अरे बचल नहीं खे कोई के पर नावा, बचल नहीं खे कोई के पर नावा, सरोजा जना नावा खोजे हो रहा, सरोजा जनानावा
अहे बाबू, किसी तरह रात गुजरी है। संजोग देखे 15 तारीख की रात मेरा जिस गांव में प्रोग्राम था उसी के बगल की घटना है भैया। सवेरवा होते बिरावा हमार बंद भइल, एकरा बाद रास्ता पकड़ ले जात रही तो देखली का भेल भैया। होते बिहाने चार लासी एम्बुलेंस आवा से, लासी एम्बुलेंस आवा से पहुंचल सहेड़ी के माझार जी। जब सहेड़ी गांव के करीब एम्बुलेंस से लाश पहुंची है चार लोगों की, तो जिला जवार रोवे धरती गगना वाला रे, धरती गगना माता रोवे ला पूरा परिवार जी। दुई लाल लुटैले जेकर मगिया धोवाई गईली, दुई लाल लुटैले जेकर मंगिया धोवाई गईली, मंगिया धोवाई गईली रोने माई ललती जरबे जार जी। ऐ बाबू हेडमास्टर साहब खुशहाल राम, इस दुनिया के छलन लालती देवी के मंगिया धोवा गई लो, संगवे मंगिया धोवाई संगवे दुगो लाल छिना गई लन। ए पंचो तनी बड़का बचवा सुबचन जवन सिंचाई विभाग में ऑपरेटर हुन उनकर दुलहनिया का हाल सुना, जब अपनी सैया का लसिया देखलिन हो का भयल तनी सोर ठीक भाव लगता कि बिलखेली मानतिया भागी या पाना वाला या भागी। दोनों भैया को दोनों बड़का भैया सहारा रलन कैसे रोए बाबू। अरे संतोष ब्रिजराज रोए पाही या पुजारी अब के पाही, किया हो भैया
मिया डाला जवन सरोज अपना संजय सैया से फनमा पर बतेवले रहे ऊ कहत बा तरन बदल गेल बाबू रोवेली सरोज शिवम अरे अनुज सुगाना वाले बाबू रोवेली सरोज दूगो बचवावन शिवम और अनुज उर्वत कौनी तरह से रोवे और मान के छोड़ी गईल पर लोग लगे साहब कैंसर से जिंदगी के सैया हारी गई लकाल से खोल के चल के वो रसोई वाला घरवा में देख लो साहब आवे मिलन के लो पूरा परिवार खोजत रहे वो साहब कि साम के बनावल अरे बस आई गईल खाना वाले बाबू खानवा बनाओ कलर ना बना दिल रही तो आर मरला के खबरी आ गई कोई नहीं के खानवा खेले इंतजार सब कोई कर रहे सैया किसान के बनावट अरे बस आई गईल खाना वाले बाबू अरोली सरोजा शिवम अरे लाल सुदन वाले बाबू अहे बाबू मास्टर साहब का पूरा परिवार रोवत बा हो एक ही घर में तीन मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है बतौली जौना गौवा बिरहवा गावत रही 15 तारीख रतिया में ए बाबू मुड़वल पतुल्लापुर में सवेरवा जब एक लाश वीरेंद्र यादव की मुड़वल में आती है तो मुड़वल के लोग कौनी तरह से गमगीन हो गईलन जरा आल्हा में भाव लगल बाबू का भयल मुढ़ावल में पहुंचल जब वीरेंद्र वाली लसिया
बाबू बाबू केदार यादव बचवा कलसिया देखलन हो, जौना बेटा का कंधा पर लाश होके के चाहिए, बाप का ओ बाप का कान्हे पर बचवा कलसिया गई, परिवारवा में के रो था छा छा नेली मारी छाती धू नेली गुजारी वीरेंद्र यादव मुढ़वल निवासी का दूगो बेटवा हुन दूगो बिटिया आई गौवा रोवत बा दुलैया रोवे दुनु बचवा बचिया रोवत रन आपा मन का नैया कोनी ओर लगी पापा आपा मन पापा के कहल जाई पापा गांव के लोग धीरज बनावे पिता केदार यादव के जायदा ओनहारी हो करेला जौन होनी बा जौन विधि का विधान बा बाप फग गया केदार यादव रो करके एक बात कहते ए होनी नहीं है साहब है क्या आर विधि का विधान के ना दोष बाटे काया पंचों पुल निर्माण से जुड़े यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर राजन मित्तल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पुल निर्माण के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एचसी तिवारी को सस्पेंड किया गया। उप इंजीनियर राजेश सिंह को सस्पेंड किया गया। तो ओम प्रकाश दीवाना नहीं बल्कि देश के जन जन की एक आवाज है, मांग है, क्या बात है? हिंदुस्तान के सरकार से यूपी सरकार से क्या मांग है, कड़ी में भाव है। अरे मौत के बदले मौत मुआवजा जा रहा सी चाहिए, सस्पेंड नहीं दोषी को फांसी चाहिए। सस्पेंशन से काम चलने वाला नहीं है। आए दिन लापरवाही बरती जा रही है। गोरखपुर में 67 मासूम बच्चे मर गए, सस्पेंड कर दोगे फिर बहाल कर दोगे? तो मैं कहता हूं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दो, बल्कि अगर जिसकी जिम्मेवारी बनती है, जिसकी गलती है, उसे सस्पेंड मत करो, सीधे फांसी दे दो कि आने वाले समय में ऐसी गलत दोहराने से लोगों की रूहें कांप जाए। और क्या, बेगुनाह की जान गई, घायल हुए 50, लगभग मरे 18 लोग, जोगी जी बताए खास। जोगी जी ने कहा लगभग 18 लोग मरे, 50 लोग लगभग घायल हुए, लेकिन वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दो बीम के गिरने से लगभग 100 से ऊपर लोग मरे होंगे। तो एक बात मेरा कहना है जोगी जी से, और आए दिन हिंदुस्तान में जो भी घटना होता है, मीडिया न्यूज चैनल वाले से, सरकारी दफ्तर के ऑफिसरों से जो मौत की पुष्टि करते हैं, उनसे कहना है
कि अरे तो गलत है या जानकारी अच्छी खासी चाहिए ये जानकारी गलत है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं 100 और सरकारी पुष्टि की यार ये केवल 18। अच्छा ये घटना क्यों होता है, दोषी कौन है भैया? दोषी सत्ता शासन और सरकार, दोषी अधिकारी। कर्नाटक में मोदी करे विधायक की खरीदारी, जहां से जीते एक बार आंसू भी नहीं बहाने आए, कहते हैं कि मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, और उसी काशी बनारस की धरती पे बेमौत लोग मारे गए। उधर कर्नाटक में विधायक खरीदने की तैयारी चल रही है भैया, लेकिन एगो और बात बतावत है, करोड़ों रुपया काम न आई। कैसे काम न आई? अरे तो फिर भी नहीं बनी सरकार, यदुरप्पा लोग दम भर रहे थे, मोदी जी अपनी पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन बहुमत सिद्ध करने से पहले ही यदुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि जेडीएस वालों ने और कांग्रेस वालों ने अपने विधायकों को अपने कांटेक्ट में रखे, तो इन लोगों का पैसा काम नहीं आया। अब आप समझ सकते हैं वहां के राज्यपाल क्या किया था, 15 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 24 घंटा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। आए हाय कानून से खेला जा रहा है, तो आखिरकार फिर भी सरकार नहीं बनी। अब बता देते हैं इन ऑफिसरों के ऊपर एक लाइन कहना है, आरक्षण वाले होते तो अब तक गिरती गाज। पुल निर्माण से जुड़े यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी राजन मित्तल बनिया, पुल निर्माण के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एचसी तिवारी पंडित, उप इंजीनियर राजेश सिंह ठाकुर। अगर यही आरक्षण वाले होते तो देश की जनता भी और देश की सरकार भी कहती है कि आरक्षण वाले थे इसलिए वो पुल का बीम गिर गया। तो एक लाइन कहना है, आरक्षण वाले होते तो अब तक गिरती गाछ। अरे राजन मित्तल सी तिवारी, राजेश सिंह जनरल के नाच। तो मेरा कहना है अब हिंदुस्तान को क्या चाहिए, ब्राह्मण बनिया नहीं यादव चमार पास चाहिए, तो सस्पेंड नहीं दोषी को फांसी चाहिए। तो बाबूजी बिरहा के अंत में एक बार आभार प्रकट करेंगे हमारे दो मित्र जो इस बिरहा के विषय में हर जानकारी मुहैया कराए, फेसबुक प्रमोटर हमारे सम्राट मुकेश यादव भैया, और बिरहा की एक एक बात की जानकारी जिन्होंने दिया हमारे बड़े भैया धनेश मास्टर साहब जो हारमोनियम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, साथ ही साथ बड़े भैया स्वामीनाथ यादव जी, शंभू यादव जी, और अपने बड़े भैया गुड्डू जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने बिरहा को बखूबी रिकॉर्ड किया। तो बिरहा के आखिरी भाव में देश के नाम संदेश, पत्वछेवर सुखनंदन पूरा भारत गमगीन, कहे सुरेंद्र यादव कितनी गई जिंदगी छी, गम में रो पड़े दीवाना ओम प्रकाश, जन जन में बाबू दासी काशी के।